नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कोरी साइकिल और काहिल साइकिल को समझेंगे। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, इस कोरी साइकिल और काहिल साइकिल को हम एक गाने के मुखड़े से याद रखने की कोशिश करेंगे। जो गाना होगा हमारा चोरी चोरी छुपके छुपके के हिसाब से। देखिए, ये मुखड़ा हम यहाँ पे आपको गाने के साथ में बता देते हैं। देखो, ऐसे बोलना है, चोरी चोरी ऑल गोज टू लीवर फॉर सिंथेसिस ऑफ मीठी शुगर। ठीक है, एक बार और सुना देते हैं और फिर इसका मतलब भी बताएंगे और कैसे याद रखना है वो भी बताएंगे। ऐसे बोलना है, चोरी चोरी ऑल गोज टू लीवर फॉर सिंथेसिस ऑफ मीठी शुगर। देखिए, यहाँ पे चोरी चोरी से हमें याद रखना है कि ये कोरी साइकिल के हिसाब से कुछ बता रहा है। फिर आएगा ऑल। ऑल का मतलब, देखिए, ऑल का मतलब यहाँ से एल से ये अलानाइन जो एक अमाइनो एसिड है इसे याद रखना है, और ये जो एल है इसे लैक्टेट के हिसाब से याद रखना है। देखिए, ये जो अलानिन और लैक्टेट जो है ये गोस टू लीवर, यानी ये लीवर की में जाते हैं और वहाँ पे ये ग्लूकोनिवोजिनेसिस का काम करते हैं, यानी ग्लूकोज को सिंथेसाइज करने का काम करते हैं दोस्तों। और यहाँ पे लीवर जो है वो एक हिल की तरह दिख रहा है, एक पर्वत की तरह दिख रहा है, तो इससे हम काहिल साइकिल को भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यही मतलब है इसका कि चोरी चोरी ऑल गोज टू लीवर फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज एक मीठी शुगर है, तो इस हिसाब से हमें ये सारी चीज़ें याद रखना है। अब इसे खुल के हम समझते हैं कि कोरी साइकिल क्या होगा और काहिल साइकिल क्या होता है। देखो, कोरी साइकिल में क्या होता है, लीवर में ग्लूकोज तो सिंथेसाइज होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा, लेकिन किससे होगा, ये लैक्टेट से होता है दोस्तों। ठीक है, हमने देखा कि ऑल ऑल से ये जो यल है वो लैक्टेट के लिए है, और अगर लैक्टेट से ग्लूकोज बन रहा है लीवर में तो ये कोरी साइकिल की तरफ इशारा करेगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करेंगे काहिल साइकिल की। तो जो बचा ये एल है अलैनिन का, तो अलैनिन के यूज़ करने से ये ग्लूकोज जब बनेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होगा, तो वो काहिल साइकिल कहलाएगा दोस्तों। देखिए, लीवर में ग्लूकोज बन रहा है लेकिन लैक्टेट से बनेगा तो कोरी साइकिल, अलैनिन से बनेगा तो काहिल साइकिल। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज बना है यहाँ पे वो आगे कहा जाता है, तो ये जो भी ग्लूकोज सिंथेसाइज हुआ है यूटिलाइज बाय स्केलेटल मसल। अब लीवर से जो ग्लूकोज बना है वो कौन यूटिलाइज करेगा, स्केलेटल मसल यूज करेगा अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, एंड कन्वर्ट्स अगेन टू ऑल। ऑल यानी फिर से वो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मसल में अलैनिन एंड लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या देखा कि ये जो ऑल है अलैनिन और लैक्टेट, इसका कन्वर्जन ग्लूकोज में होता है और ग्लूकोज का कन्वर्जन ऑल में होता है। अगर लीवर की बात चल रही है तो लीवर में क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी ये अलैनिन हो लैक्टेट हो उससे ग्लूकोज बनना स्टार्ट होगा लीवर के अंदर, और स्केलेटल मसल जो है वो ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा और यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस करेगा, जिससे ये ग्लूकोज जो है अलैनिन और लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे ग्लूकोज अलैनिन जो साइकिल है वो काहिल साइकिल होगा। ठीक है, अलैनिन का कन्वर्जन ग्लूकोज में होगा, और कोरी साइकिल जो है वो ग्लूकोज लैक्टेट साइकिल होगी, जिसमें लैक्टेट का कन्वर्जन ग्लूकोज में होता है दोस्तों। ठीक है, अब इसे और विस्तार में हम डायग्रामेटिकली देखेंगे। और हाँ दोस्तों, हमारी फार्मा नोट्स की PDF मेंबरशिप को आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग 1000 रुपीज़ हमारे चैनल के लिए बाय पेटीएम या फिर फ़ोनपे से हमारे इस मोबाइल नंबर को यूज़ करके 8087339648। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें इसी नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और जैसे ही आपका कंट्रीब्यूशन हो जाता है हम आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक करा देंगे, जहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल PDF के फॉर्मेट में मिलता रहेगा दोस्तों। और हाँ, हमारा और एक चैनल है नीट साइंस स्कॉलर, जहाँ से हम CBSE और NCERT से कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जो आपको हेल्पफुल रहेंगे RRB ESIC जैसे एग्जाम्स में, और साथ ही साथ नाइपर के स्कोर को बढ़ाने के लिए भी। तो चलिए आगे ये कोरी साइकिल और काहिल साइकिल को एक डायग्रामेटिकली विस्तार से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे बना है मसल, ब्लड और लीवर, और हमने देखा कि लीवर के अंदर क्या बोला हमने, ऑल गोज टू लीवर, ऑल यानी अलैनिन एंड लैक्टेट ये लीवर में आ चुके हैं, और इससे पाइरुवेट बनेगा, पाइरुवेट से फिर G6P ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और उससे ग्लूकोज बनेगा, है ना। तो ऑल से क्या बन रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज बनने का काम चल रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहाँ होगा, लीवर में होगा। इसमें ग्लाइकोजन भी होता है, ग्लाइकोजन का कन्वर्शन भी G6P यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में होकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही ये ग्लूकोज बना है तो ये ग्लूकोज कौन यूटिलाइज करेगा, मसल, वो भी ये ग्लूकोज ब्लड में आएगा, ब्लड से फिर मसल में जाएगा, और मसल इसे यूटिलाइज करेगा अपनी एक्टिविटी के लिए,
और यूज जैसे करता है तो ये G6P यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। इसमें भी जो ग्लाइकोजन होगा उसका भी कन्वर्जन G6P में होता है। फिर ये पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा और फिर एलानिन एंड लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी का ये मिरर इमेज दिख रहा है आपको, यहाँ एलानिन और लैक्टेट से ऊपर जा रहा है और ग्लूकोज से यहाँ पे एलानिन लैक्टेट बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंजाइम भी है जो ये पाइरुवेट जो एलानिन में कन्वर्ट होता है उसमें ट्रांसअमाइनेज एंजाइम यूज होता है। देखिए यहाँ पे एलानिन जो पाइरुवेट में कन्वर्ट, वहाँ पे भी ट्रांसअमाइनेज, और ये जो पाइरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पे एनएडी बनता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो चुका है। और जब ये इधर देखिए लैक्टेट से जो पाइरुवेट बनता है तो यहाँ पे एनर्जी बन रही है, NADH2, ये एक एनर्जी फॉर्म है, इसे हम नाडू बोलते हैं प्यार से, NAD नाडू, है ना, ये H2 के लिए यू बोलिएगा तो ये नाडू ही बोलेंगे, तो इसे नाडू करके याद, नाडू से क्या होगा, कुछ लड्डू या बन रहे हैं, यानी एनर्जी यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। तो इस NADH2 को भी याद रखिएगा, लैक्टेट पाइरुवेट से यहाँ पे बनती है और यहाँ पे पाइरुवेट टू लैक्टेट हो रहा है तो एनर्जी खर्चा हो रही है। तो इस तरीके से ये पूरा साइकिल है दोस्तों। यहाँ पे हमने कोरी और काहिल को भी डिनोट किया है। देखो लैक्टेट से जब ग्लूकोज बनने की प्रोसेस है तो ये कोरी साइकिल को डिनोट करेगा, और जब अलैनिन से ग्लूकोज बनने की प्रोसेस है वो काहिल साइकिल को डिनोट करता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कोरी साइकिल में क्या हो रहा है और काहिल साइकिल में क्या हो रहा है। एक बार और इन्हीं पॉइंट्स को देखते हैं। देखो इन कोरी साइकिल लैक्टेट इज हैंड ओवर टू द लीवर फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। लैक्टेट को हम लीवर को पास भेज रहे हैं, वहाँ पे क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, तो ये क्या होगा कोरी साइकिल। अब काहिल साइकिल में क्या होगा, एलानिन इज हैंड ओवर टू द लीवर फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे भी ग्लूकोज बन रहा है लेकिन एलानिन से बन रहा है, तो ये काहिल साइकिल होगा दोस्तों। और हमने देखा ये पाइरुवेट टू एलानिन जब कन्वर्ट हो रहा है ना, ये पाइरुवेट का स्ट्रक्चर है और ये एलानिन में अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एक एंजाइम है ट्रांस अमाइनेज करके एंजाइम होता है दोस्तों, तो इसे भी याद रखिएगा। इसके लिए छोटा सा ट्रिक है, पी ए का TAB ऐसे करके याद रखिए, पी ए यानी पायरुवेट, ए यानी अलैनिन, तो ये पी ए होगा पायरुवेट अलैनिन का TABL, टी ए यानी ट्रांस अमाइनेज एंजाइम होगा दोस्तों। तो पी ए का टी ए पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू अलैनिन, तो वहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा, ट्रांस अमाइनेज। यहाँ पे देखिए ये अमाइनो एसिड है तो अमाइनो ग्रुप है, एसिड ग्रुप है ना, तो इसमें तो अमाइनो नहीं है, तो अमाइनो ग्रुप लाने के लिए हमें ट्रांस अमाइनेज एंजाइम को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को क्लिक करना है और ऑल बटन को क्लिक करना है दोस्तों। इससे होगा क्या, आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपको यूँ ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो मिलते हैं और बेहतरीन अलग अलग साइकिल्स के साथ में, तो तब तक के लिए थैंक यू।